सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज देखो, आज मैंने साड़ी पहनी है बिकॉज आज तीज है और आज तीज का त्यौहार है, इसलिए मैंने साड़ी पहनी है गाइज। सो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से घर और अभी मैं आज चाय पीऊँगी। सबसे पहले दोनों आप क्या कर रहे हो दिखाओ, जरा बताओ सबको। इधर आपने आज क्या क्या किया? मैं जब मैं स्कूल थी तो आपने घर पे क्या क्या किया? मैंने कलेजी खेली उससे। क्ले से खेले? खेली। आप क्ले से खेले थे? हाँ। और पापा से खेली हूँ। पापा के साथ क्या खेली? पापा के साथ मैजिक ट्रायंगल। हैं? मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल, अच्छा हो जो आपने क्ले से बनाया था अपने पापा के साथ, वो दिखाओ सबको। चलो भागो, कैंची दिखाओ, कैंची आ जाओ। सो गाइज, जब मैं स्कूल गई थी तो ना मेरे पीछे से कैंची बनाई है क्ले से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पापा ने, धुनू के पापा ने बनाई है। लो धुनू, ये देखो, दिखाओ सबको। वाओ। सो गाइज, ये जो कैंची है ना, ये क्ले से बनाई है। ये देखो, छोड़ो, ये देखिए, ये कैंची जो है क्ले से बनाई है। कैसी लग रही है आपको? जो इसकी ओरिजिनल कैंची है जिससे देख के ये बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आओ धुनू, दिखाते हैं। सो गाइज, ये देखिए, ये कैंची है वो जिसे देखकर ये कैंची बनाई गई है। दोनों आप ये वाला दिखाओ, पकड़ो, ये देखो, पास में लाओ। ये तो खुली हुई है, मैंने बंद कर रखी थी गलती से। हाँ, अब खुली हुई है ना, तो अब ये दोनों सेम सेम लग रही हैं। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये कैंची लेके, आप बताना कमेंट्स में। सो गाइज, अभी मैं थोड़ा सा, मैंने अपने लिए चाय बनाई है और चाय के साथ मैं एक रस्क लूंगी और रस्क पी के फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तब तक मीनल भी स्कूल से आ जाएगी। और देखो ये शैतान बच्चा क्या कर रहा है इधर। जयू जयू, ये देखो ये शैतान बच्चा, ये क्या कर रहा है इधर? क्या कर रहे हो आप? ये लो रस खाओगे? चलो ये रस इसने खा लिया, मैं दूसरा ले लूंगी। सो गाइस, अभी मैं बहुत थक गई हूँ आज। आज हमने स्कूल में बहुत मजे किए, पहले बच्चों को पढ़ाया, सारी क्लासेस ली, फिर जब छुट्टी हो गई स्कूल की, और फिर जब स्कूल की छुट्टी हो गई ना, तो उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा म्यूज़िक चलाया तीज का, फिर थोड़ा डांस किया और फाइनली फिर हम घर पहुंच गए। और अभी देखो ये अजय आ गया यहाँ पे, ये चाय में डिप करके खाना चाहता है। ये लो। सो गाइस देखो, ये रो रही है। ये क्यों रो रही है? क्योंकि इसके पापा ने इसको आज नहलाया नहीं है। क्यों नहीं नहलाया इसके पापा ने आपको आज? क्यों नहीं नहलाया आपके पापा ने आप दोनों को आज? आप दोनों सो रहे थे। कोई बात नहीं, फिर मैं नहला दूंगी, इसमें रोने वाली क्या बात है ना। इसको ना अपने आप नहाना है। देखो इसने बाल्टी भी ला के रख दी पीछे आज ना। बाल्टी से नहाएगी, शावर से नहीं नहाएगी? पहले आप ये बताओ कि आपने ड्रॉइंग रूम में बाल्टी ला के क्यों रखी है? आप ही रखी जिया। बाल्टी कौन लाया ड्राइंग रूम में? बाइक के जय लेकर आया है। सो गाइस, ये ना हमेशा खुद काम करती है, उसका इल्जाम अपने छोटे भाई पर लगा देती है। और बेचारा ये इसको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या रहा है। अभी नहाना है, चलो तो कपड़े निकालो, अभी नहाई नहीं करवाते हैं, चलो। सो गाइस, मिलते हैं अभी इनको नहलाने के बाद, मिलते हैं आपसे। और देखो कैसे सिर फोड़ रहा है नहाने के लिए, इतनी जल्दी लगी आपको नहाने की, आप सिर फोड़ोगे। ओ, फिर सिर फोड़ा। ये जो सिर फोड़ने की आदत है ना गंदी, वो इसको धुनू ने सिखाई है। धुनू किसने सिखाई है? मैंने। क्यों सिखाई आपने? ये सिर फोड़ने की आदत किसने सिखाई है? धुनू ने सिखाई है। बहुत गंदी आदत सिखाई है, बहुत गंदी आदत सिखाई है, बहुत गंदी आदत सिखाई है। सो गाइस, अभी मिलते हैं इनको नहलाने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मामा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पानी भर रही हूँ। कैंगन वाटर, कैंगन मशीन से कैंगन पानी पीते हैं हम ना, तो वही भर रहे हैं। और धुनू आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भर लिया पानी। क्या पानी भर लिया, दिमाग खराब हो रखा आज, काम वाली नहीं आई ना, सारा काम ऐसे पड़ा, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, सारी रसोई फैली पड़ी है। और यहाँ पे मैंने स्कूल से आके बनाई है मैगी।
और देखो और सर काम वाली आज हमारी मेड नहीं आई तो इसलिए सर में दर्द हो रखा है, पता नहीं कब आएगी वो। उसने बोला कि शाम को आऊंगी शायद, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी खुद तबीयत खराब हो गई उसकी तबीयत के चक्कर में। और मैं आज स्कूल से आके ऐसे सो गई सोफे पे, पता ही नहीं चला कि थकी हुई थी मैं और मेरी आंख लग गई लेटे लेटे ही। अब उठी हूँ मैं और ये मेरा जयू, ये मेरे बच्चे, ये दोनों ने देखो सेम सेम कपड़े पहने हैं, दिखा दोनों, महाकाल दोनों ने महाकाल के कपड़े पहने हैं, एक दोनों का भी है। अब उसने भी, उसको भी पहनाएंगे लेकिन वो पहनना नहीं चाहती अब, इसलिए मेरे जया ने पहने हैं, मेरे जया ने पहने हैं। किसी को पापा को जल्दी से किसी करो, किसी करो, ओ इतना प्यार, इतना प्यार, ओ मेरे को भी पहने हैं दोनों सेम से, मुझे भी ऐसे कपड़े पहना, ऐसे वाले पहने आपको भी, चलो मिले इसको भी ऐसे वाले पहना, जा पहना दे जा, चल बहुत गर्मी है लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है देखो, और ये देखो बारिश तो ना, इसको इन बच्चों को ना इस भूतनी गुड़िया से बहुत प्यार है। और इसकी जैने जैने इसकी एक आंख फोड़ दी है, इसको काना कर दिया और ये इसी को लेकर घूमता रहता है, देखना है ना जिया, है ना, गंजी चल अब दोनों यहाँ खेल लो, मैं एक बार क्या नीचे नहीं उतरना गोदी में, अच्छा खेलो खेलो खेलो, अच्छा इसको गोदी आना है, इसे गोदी नहीं आना है, दोनों से बारिश का मजा ले, दोनों बारिश का मजा ले लिए, ओ वाह कितनी सुंदर बारिश दिया है ना, वाह फ्रेंड के बल तू प्रभ ले लेना। So guys, अब जय रो रहा है क्योंकि उसे गोदी नहीं लिया जा रहा, उसे गोदी बहुत ज्यादा पसंद है, गोदी बहुत लिया जा रहा है लेकिन ये गोदी से नीचे ही नहीं उतरना चाहता, कितनी जब सैविद से इसको गोदी लेके बैठ जाती हूँ, गोदी तो इसे बहुत लिया जाता है, गोदी क्यों लिया जा रहा है, गोदी तो लिया जा रहा है ना, बार बार गोदी आता है इसको बाहर का इसको बाहर का मौसम इंजॉय करना है गोदी में, दिखाओ बाहर का मौसम देखो। सो गाइस देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, एक नंबर का, कितने नंबर का दोनों, कितने नंबर का मौसम हो रखा है, इधर दिखा कितने नंबर का हो रखा है, बहुत नंबर का मौसम हो रखा है गाइस, बहुत नंबर का मौसम हो रखा है, एक नंबर का मौसम हो रखा है, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, क्या पिएंगे, चाय पिएंगे, ये दिखाने साथ दिखा, ये क्या चाह रहा है हाथ से, अच्छा बारिश को टच करना है इसको, इसलिए गोदिया में चाह रहा था ये बारिश को टच करना है, अभी डॉल नीचे गिर जाती ना, ध्यान से रखो डॉल को, जया की फेवरेट है ये, जया की फेवरेट है ये, क्या मेरी माला चाहिए तुझे, बाबा माला पे हाथ क्यों लगा रहा है, चलो ओ अच्छा एक मिनट सुनो, चलो वीडियो बनाते चलो, एक मिनट सिंपल फोटो। सो गाइस देखो ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट है ट्यूलिप्स का, हनी एंड लेमन, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरी वीडियोस में मेरे व्लॉग्स में जो भी प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी ना वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करूंगी, और लेकिन उसी को जिसको पता होगा कि किस वीडियो में कौन सा प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट्स वो मुझसे ले सकते हैं। कहाँ दूंगी, अपने किसी भी लोकेशन पे जाऊंगी वहाँ पे जाके मैं सारे प्रोडक्ट्स जो भी वीडियोस में आएंगे वो गिव अवे करूंगी, और किसको करूंगी, जो सब्सक्राइबर्स हमारी वीडियोस देखते हैं और जो लाके मुझे दिखाएंगे कि हाँ हमने आपकी सारी वीडियोस देख रखी है रेड हो रखा है, उसको हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट में देंगे, क्या करेंगे दोनों, हाँ गिफ्ट में देंगे, छुपा लो इसको, अब इससे नहाएंगे, सबको नहलाएंगे, सब्सक्राइबर्स को भी नहलाएंगे हनी और लेमन के साबुन से। गाइस जो ये हनी और लेमन है ना ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, हनी और लेमन से हमारा फेस क्लीन हो जाता है, ये पूरी बॉडी के लिए है, साबुन है नहाने का। सो गाइज मैं फटाफट से नहा के कपड़े चेंज करके आती हूँ। सो गाइज इतने मैं नहा कर आई ना इन तीनों ने अपनी मैगी भी फिनिश कर दी है, तूने मेरे लिए बिल्कुल नहीं बचाई, मैंने पूछा था आपसे कि आप क्यों बनाओ फ्राइड मैगी, आपने कहा नहीं मुझे तो नहीं खानी, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को मैगी पसंद नहीं है ना इसलिए मैं तो मजाक कर रही हूँ। सो गाइज इन्होंने बटर मैगी सारी खत्म कर दी है बिल्कुल ही, और
तो गाइस अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मेरे बाल फैले हुए हैं पर ए छोड़ो इसको, छोड़ो भैया को, छोड़ो भैया को। हाँ। सुनो सुनो सुनो, देखो देखो ना, बता रही हूँ सबको कि मैं नहा चुकी हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिया। सो गाइस आज मेरा दिमाग खराब है, बताती हूँ आपको रीजन क्या उसका। तुझे बताते बर्तनों को रख दे, इसको गोदी ले ले एक बार, मैं बताऊंगी क्या रीजन है मेरा दिमाग खराब होने का। आजा चल मैं ही ले लेती हूँ तेरे को गोदी, जल्दी आ, बताती हूँ फटाफट से। एक दो बाल सफेद हो गए मेरे, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं इंटरेस्टिंग चीज ये बताना चाह रही हूँ, देखो इधर खड़े जाओ कि है ना, मैं इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रही हूँ। मैं सोच रही आज कि स्कूल के बाद ना जाऊंगी, वो जो हमारी काम करने आती है ना मेड, उसका उसकी तबीयत खराब है कुछ ज्यादा, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है। तबीयत वैसे ठीक है लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा कि उसको दवाई दिलवा दूंगी, तो मैं उसके लिए दवाई खरीद के ले आऊंगी। बच गया, नीचे नहीं गिरा मेरा रबर बैंड, शुक्र है। हाँ तो मैं बता रही थी कि जो मेरी मेड है उसकी तबीयत थोड़ी सी मतलब किसी कारण से खराब है, वैसे खराब नहीं है, वैसे चीज ओके, पर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो मेरे को लगा कि मैं उसके लिए दवाई खरीद के लाऊंगी आज वहाँ सेक्टर 12 आयुष्मान हॉस्पिटल के वहाँ जाके। और फिर उसका कॉल आया कि ना मैं ना काम छोड़ रही हूँ और आप ना किसी और को देख लेना। भाई मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, कि भाई मैं इस बंदी के लिए 1000-1500 रुपये खर्च करके एक वीक की दवाई लेने जा रही हूँ ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है शरीर में वो ख़त्म हो जाए। और वो क्या कर रही है भाई, दूसरों के बारे में इंसान बिल्कुल नहीं सोचता, जिस तरह मैंने उसके बारे में सोचा कि उसका, हाँ उसका प्रॉब्लम ठीक करवाऊँ, उसका इलाज करवाऊँ, और उसने कुछ नहीं सोचा, बस कह रही है मैं काम छोड़ दूंगी, आप किसी और को देख लो। काम ऐसा औरों का तो कर रही है खाने का काम, लेकिन हमारा छोड़ दे क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारा। तो भाई एक तो मैं वर्किंग हूँ, ऊपर से वो कह रही है काम छोड़ रही हूँ, अब दूसरे काम वाले को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। वो बाकी घरों में भी काम करती है लेकिन वहाँ पे करती है खाना बनाने का काम करती है मोस्टली, तो इसलिए वो छोड़ना चाहती है। हालांकि मैं भी उससे रोटियां बनवाती हूँ लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ ज्यादा काम है, इसलिए शायद वो छोड़ लेकर जाना चाहती है, या पता नहीं कुछ और रीजन होगा। मेन तो यही है कि उसको ज्यादा काम लग रहा है, या फिर ये रीजन होता है उसको कहीं और खाने का काम मिल रहा है ताकि वो झाड़ू पोछा बर्तन का काम छोड़ के सिर्फ खाने का काम करे। लेकिन जो भी है कम से कम थोड़ा बहुत तो इंसानियत होनी चाहिए ना, कि मैं उसके लिए इतना कुछ सोच रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ। मैंने उसको मैंने काम भी दिलवाया 2-3 घरों में कि हाँ चलो भाई ग्रुप पे डाल देते हैं, जिसको काम मिलेगा तो वो काम इसको काम पे लगा लेंगे, इसको जरूरत है। फिर किसी ने बुलाया भी मेरे रेफरेंस से, ठीक है। अब देखो हमारे ही काम छोड़ना चाहती है वो, क्योंकि उसको कहीं और, हमारे यहाँ 4000 रुपये मिल रहे हैं तो कहीं और 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 6000, तो शायद इसलिए वो काम छोड़ना चाह रही है। कोई बात नहीं भाई, हम दूसरा कोई और देख लेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि भाई इंसानियत बिल्कुल नहीं है इंसान के अंदर। हम उसके इलाज के लिए धक्के खा रहे हैं और वो टाटा बाय बाय बोल रही है, क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। सो गाइस मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाहती थी, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।